हाथरस मामले को लेकर रोजाना नई बातें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, वहीं आरोपी पक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि उनके लोगों को फंसाया गया है। आरोपी पक्ष ने स्थानीय सांसद पर भी आरोप लगाए। जी मीडिया की टीम ने हालात का जायजा लिया। एक आरोपी है राम, इस पूरे मामले में उनकी माँ है हमारे साथ। ये बताएं कि सरकार ने कहा है कि अब CBI जांच हम करेंगे, तो आपको CBI जांच पे भरोसा है? भरोसा है। अच्छा। करवाओ, हाँ करवाओ, सच्चाई आनी चाहिए। अच्छा, हाँ। आपको क्यों लग रहा है कि राम उस दिन मौजूद नहीं था? नहीं था। अच्छा, नहीं था राम? राम चिलर पे था। हाँ, चिलर पे जी, चंदवा के पास। हाँ, माँ है, माँ आप हाजिरी देख लो, स्टाफ है पूछ लो, मतलब काऊ पूछ लो। अभी जांच में लाओ, यहाँ घर है ही नहीं था। तो आप चाहते हैं कि इसमें CBI जांच, CBI जांच, SIT जो टीम है वो काम सही कर रही है, और ये जो नार का जो टेस्ट है वो भी हमारे भाई वगैरह का हो, और इनके परिवार का भी हो, हम ये भी चाहते हैं। किसी भी तरह की जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये देखना है कि वो लड़की मारी किसने है, दोषी कौन है। आपको ये लग रहा है कि ये लड़की जो है वो जो आरोपी है उन्होंने नहीं मारी, मतलब आपके परिवार के लोगों ने नहीं मारी? वहाँ कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई जो मारेंगे। अच्छा, वो वहाँ बच्चे है ही नहीं है मौजूद, कोई एक नौकरी कर रहा है, उसकी डिटेल देख लो वहाँ जाके, चिलर की रामू की। अच्छा, संदीप गाय को पानी पिला रहा है, पूरे गांव को पता है। जो मुख्य आरोपी है संदीप, वो पानी पिला रहा है? हाँ, गाय को पानी पिला रहा है। जो लड़की थी, जो उसके माँ और भाई ने मारी है वो लड़की। हम भी चाहते हैं कि लड़की मरी कैसे, लड़की अलीगढ़ तक तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जो लड़की के साथ ये हादसा हो जाएगा। यहाँ तक अलीगढ़ से दिल्ली तक आराम से बैठ के गई है, और यहाँ से बैठ के गई है बाइक पे। 22 तारीख को इसने बयान चेंज किए हैं लड़की ने, और राजनेता जो कि सांसद है यहाँ के हाथरस के हैं, राजीव दिलेर है, और उसकी लड़की मंजू दिलेर है। अच्छा। उन्होंने बाइक पर पोस्ट की थी 18 तारीख को, बोल रही थी कि मेरे परिजनों से बात हुई है कि 3 और लड़के इसमें पाए गए हैं, और 22 तारीख को लड़की ने बयान दिया है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, जबकि दुष्कर्म वाली बात ही नहीं है उस रिपोर्ट में। पहले FIR में उसने एक लड़के का नाम लिया था, अब ये 22 तारीख को 3 लड़के कहां से आ गए? ये राजनेताओं का दबाव था, प्रशासन सही काम कर रहा है, प्रशासन पर दबाव डाल दिया था उन्होंने, सांसद और मंजू दिलेर ने प्रशासन पर पूरा दबाव डाला है उसने। 15 तारीख को चाचा जी को ले गई है पुलिस, 16 तारीख को, 17 तारीख को पुलिस रामू को ले गई है, पूछ रही थी कि हम संदीप के दबाव में ले जा रहे हैं। जब रामू दोषी था तो 20 तारीख को क्यों छोड़ा था चंदबा थाने में से? अच्छा, पहले छोड़ दिया, जब 22 तारीख के बाद जब बयान नहीं है, जब 23 तारीख को